जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में बिहार मद निषेध सिपाही की परीक्षा के लिए रहमान सर के इस नए बुक से प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को कवर करेंगे। तो जल्दी जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों से। पहला प्रश्न है, ज्वालामुखी के कप आकार के मुख्य को क्या कहते हैं। अगर आप लोगों को इन सेट में किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आप लोगों को लाइव चैट का ऑप्शन दिया गया है। प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर लाइव चैट में करते जाना है। तो पहले प्रश्न का आंसर है सी ऑप्शन, क्रेटर। ज्वालामुखी के कप आकार के मुख्य को क्रेटर कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं। तो दूसरे प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए, पंपास कहा जाता है। ए ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। तीसरा प्रश्न, एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर बताएंगे। और देखिए, जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं उनको बता दें, ये क्लास आपको डेली रात 8 बजे लाइव चैट के साथ मिलते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप लोग मद निषेध सिपाही के लिए डेली नोट्स तैयार करना चाहते हैं तो आप लोग 9 बजे की क्लास को अटेंड कर सकते हैं। तो एशिया और उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं, सही जवाब है इसका बेरिंग जलडमरू मध्य के द्वारा। सी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे। और देखिए, प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करते जाना है और किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछिए। तो चौथे प्रश्न का आंसर क्या होगा, देखिए 9 जनवरी 1923 डेट याद रखना है। 9 जनवरी 1923 को मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। तो इसका सही जवाब क्या होगा चौथे का, देशबंधु सी आर दास दिया गया है। अगर ऑप्शन में मोतीलाल नेहरू मिले तो वो भी सही है, ध्यान रखना है दोनों के नाम को। आगे देखिए, भारत का सबसे बड़ा सिंचाई नहर कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी ऑप्शन, ऊपरी गंगा नहर। ऊपरी गंगा नहर प्रणाली भारत की सबसे बड़ी 12 मासी और सबसे प्राचीन सिंचाई प्रणाली है। इस प्रणाली की शुरुआत 1854 में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलजी राजवंश का शासनकाल कब से कब तक था। चलिए आंसर बताएंगे 6 के लिए। तो दिल्ली सल्तनत पर खिलजी वंश का शासनकाल था 1290 से लेकर 1320 तक। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन। और खिलजी वंश की स्थापना किया गया था जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्नौज की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी। चलिए आप सभी 7वें के लिए आंसर करेंगे। तो कन्नौज का युद्ध होता है 17 मई 1540 में। किसके किसके बीच में होता है, तो हुमायूं और शेरशाह सूरी की सेनाओं के मध्य लड़ा जाता है ये युद्ध। और इस युद्ध में शेरशाह की जीत होती है। तो सही जवाब है इसका सन 1540। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत राज प्रणाली के अंतर्गत स्थानीय संस्था का कार्य कौन सा नहीं है। तो देखिए, पंचायत राज प्रणाली के अंतर्गत स्थानीय संस्था का कार्य कानून और व्यवस्था बनाए रखना नहीं है। इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, कानून और व्यवस्था। संत सरफुद्दीन याहिया मनेरी का मकबरा किस जिला में स्थित है। और देखिए, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था एक बार। तो संत सरफुद्दीन याहिया मनेरी का मकबरा जो है ये बिहार के किस जिले में है, तो पटना में। बी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। चलिए 10 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो देखिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वह 2 बार लगातार
1950 से 1962 तक देश के राष्ट्रपति चुने गए थे। सही जवाब है ए ऑप्शन। और पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न को आप लोग मार्क करके रखेंगे। अब देखिए ये प्रश्न एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्यों बनता है, क्योंकि इस प्रश्न से संबंधित 2 से 3 प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखना है द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब होती है, तो आप लोग लिखते जाइए 3 सितंबर 1939 को शुरुआत होती है, और समाप्त कब, तो 14 अगस्त 1945 को समाप्त होती है। अब देखिए द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों ने धुरी राष्ट्रों को हराया था। तो पहला पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए कि द्वितीय विश्व युद्ध में किसने किसको हराया था, मित्र राष्ट्रों ने धुरी राष्ट्रों को हराया था। अब देखिए दूसरा पॉइंट बनता है कि मित्र राष्ट्र में कितने सदस्य देश, कितने देश शामिल थे। इस तरह से पूछा जाता है एग्जाम में, आपको ऑप्शन दे देगा जर्मनी, इटली, जापान, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा देश मित्र राष्ट्र में था और कौन से धुरी राष्ट्र में था। तो देखिए मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे आप लोग नोट कर लीजिए, इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस और रूस, ये 4 देश मित्र राष्ट्र में थे। और धुरी राष्ट्र में थे 3 देश, कौन कौन, जर्मनी थे, इटली थे और जापान थे। ये 3 देश धुरी राष्ट्रों में थे और 4 देश कौन कौन, तो इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस और रूस, ये मित्र राष्ट्रों में थे, इसको ध्यान रखेंगे। और चौथा पॉइंट बनता है कि इस युद्ध के परिणाम स्वरूप विश्व में शांति की स्थापना के उद्देश्य 24 अक्टूबर 1945 को सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। आपसे पूछा जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस विश्व युद्ध के दौरान हुआ था, तो याद रखना है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है चैत्र, जो है राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो 13वें प्रश्न का आंसर है व्योमेश चंद्र बनर्जी, यानी कि W.C. बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को होती है। किसके नेतृत्व में? तो A.O. ह्यूम के नेतृत्व में। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो देखिए जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है। सही जवाब है ए ऑप्शन। हर्ष साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो 15वें प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी थानेसर। हर्ष साम्राज्य की राजधानी थानेसर थी। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत सरकार का शुभारंभ कहाँ किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत सरकार का शुभारंभ सिंगापुर में 1943 में किया था। सही जवाब है ए ऑप्शन। बिहार के चारा घोटाले की जांच हेतु राज्य सरकार द्वारा किस आयोग का गठन किया गया था? चलिए आप सभी 17 के लिए आंसर बताएंगे। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है सी ऑप्शन, मुखोपाध्याय आयोग। बिहार राज्य के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित लेखक कौन है? तो देखिए बिहार के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध रचना उर्वशी है। पूछा जाता है उर्वशी किसकी रचना, तो रामधारी सिंह दिनकर। बिहार के पटना संग्रहालय की सर्वाधिक चर्चित मूर्ति कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है दीदारगंज से प्राप्त यक्षिणी की मूर्ति। किसी द्रव में एक कोलाइडी तंत्र एक द्रव में परीक्षित करने पर क्या कहलाता है? तो देखिए ये इमल्शन कहलाता है, और दूध जो है ये इमल्शन यानी कि पायस का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
उच्चतर पौधों के बीजों के पोषक उत्तक को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब है एंडोस्पर्म कहते हैं। सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, पुणे की संधि कब हुई थी? सोच समझ कर आंसर करना है, फटाफट से आंसर बताएंगे, पुणे की संधि कब हुई थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब है 1817 में पुणे की संधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरंदर की संधि कब हुई थी? चलिए आंसर बताएंगे, पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो इसका सही आंसर है 1665 में पुरंदर की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेज तथा टीपू सुल्तान के बीच 1784 में कौन सी संधि हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 24 का आंसर क्या है? ऑप्शन डी, मंगलौर की संधि हुई थी। कब? तो 1784 में। अच्छा, ये जो टीपू सुल्तान है ये कहाँ का शासक था? तो ये मैसूर का शासक था और इसकी मृत्यु जो है चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी। आप लोग कमेंट करके बताएंगे चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है। नाजीवाद की स्थापना किसने की थी? चलिए आंसर करेंगे, नाजीवाद की स्थापना किसने की थी? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर के द्वारा नाजीवाद की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो 26 नंबर प्रश्न का आंसर जो बच्चे बी ऑप्शन दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब है चंद्रबरदाई, ये पृथ्वीराज रासो के लेखक है। जहाँपना भवन का निर्माण किसने किया था? और देखिए जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट से आप लोग सेशन को लाइक करें। तो जहाँपना भवन का निर्माण किसने किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन तुगलक ने। अंतिम मराठा पेशवा कौन था? तो आप सभी जानते हैं, मैंने आपको बताया था अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय था। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही आंसर है। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने कब की थी? तो 29 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, 1867 में। पूरा डेट है 31 मार्च 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना होती है। किसके द्वारा? तो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, दिवस से संबंधित एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए के आविष्कारक कौन है? तो देखिए बात करें विटामिन ए के आविष्कारक कौन है, इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, मैकुलन। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है और विटामिन ए का जो स्रोत है गाजर है। आगे देखिए, जल कितने केल्विन पर जमता है? तो देखिए जल जो है ये केल्विन बताना है, 273 केल्विन पर जमता है। सही जवाब है सी ऑप्शन। एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या है? अब देखिए एक होता है एल्केन, फिर एल्किन और एल्काइन, तो तीनों को ध्यान रखना है। सबसे पहले ध्यान रखिए एल्किन का सूत्र होता है CnH2n, किसका होता है यहाँ पे लिख देते हैं, ये होता है एल्किन का सूत्र। उसके बाद एल्केन की बात करें तो इसका होता है CnH2n+2 होता है, और एल्काइन की बात करें तो CnH2n-2 ये किसका होता है, ये एल्काइन का होता है। एल्केन का हो गया CnH2n-2, एल्काइन का CnH2n-2 और एल्किन का हो गया CnH2n। यहाँ बी में देखिए प्लस है, CnH2n+2 ये किसका है, ध्यान रखना है एल्केन का है, ऑप्शन बी। आगे देखिए राष्ट्रीय युवा दिवस किससे संबंधित है? तो देखिए राष्ट्रीय युवा दिवस जो है ये किससे संबंधित है? तो ये स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे
युवा दिवस कब मनाया जाता है? लक्षद्वीप की भाषा क्या है? लक्षद्वीप की राजधानी कब रहती है और लक्षद्वीप की भाषा क्या है? तो मलयालम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न को हमने पहले भी कराया था, सद्भावना दिवस ये मनाया जाता है 20 अगस्त को। बी ऑप्शन सही आंसर है। बंगाल विभाजन किस गवर्नर द्वारा किया गया था? तो देखिए, बंगाल विभाजन जो है ये 1905 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में, ध्यान रखना है। चलिए आगे देखिए, भारत में बीबी का मकबरा किस राज्य में स्थित है? तो भारत में बीबी का मकबरा महाराष्ट्र में स्थित है। सी ऑप्शन सही आंसर है। असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किए जाने वाले सबसे पहले नेता कौन थे? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, असहयोग आंदोलन कब? 1 अगस्त 1920, याद रखना है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 से होती है महात्मा गांधी के द्वारा, और असहयोग आंदोलन को वापस कब लिया गया था? तो 1922 में लिया गया था। कारण क्या था? तो चौरी चौरा जो कांड हुआ था, इसी के कारण महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था। चौरी चौरा कांड 1922 में, ध्यान रखना है। मलक्का जलडमरू मध्य मिलाता है? चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से 40 के लिए। तो मलक्का जलडमरू मध्य मिलाता है प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। कोलकाता और आगरा के बीच टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत कब हुई थी? और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, 1853 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? तो गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था, आप सभी जानते हैं। इसका सही जवाब क्या है? सैन फ्रांसिस्को में, ध्यान रखना है। और गदर पार्टी की स्थापना 1913 में होती है। एनू जनजाति कहाँ पाई जाती है? चलिए आंसर बताएंगे। तो एनू जनजाति जापान में पाई जाती है। भारत में प्रथम सस्वर चलचित्र आलम आरा का निर्माण कब हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आलम आरा का निर्माण कब हुआ था? 1931 में। बी ऑप्शन सही आंसर है। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव करता है कौन? तो विधानसभा के सदस्य। सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकता है? तो देखिए, अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकता है, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी, संसद के द्वारा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि निम्नलिखित में से कौन सी है? सही आंसर है डेविस जल संधि, ये विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है। कौटिल्य का संबंध निम्नलिखित में से किस विद्यालय से था? सही जवाब है डी ऑप्शन, तक्षशिला, ध्यान रखना है। कौटिल्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त, पूछा जाता है चाणक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था? तो सिखों के जो पांचवें गुरु थे, गुरु अर्जुन देव, इन्हीं को दिया गया था। सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव, सिखों के दसवें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। और गुरु गोविंद सिंह ने ही 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो ये अपना भारत का है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान किस देश का था, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।